अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली का टिकट लेना पड़ेगा। ये कितना सच है ना कि अगर हमें किसी मंजिल की तरफ बढ़ना है तो हमें उसी दिशा की तरफ रास्ता तय करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, मुश्किलों से जूझना पड़ेगा और तब कहीं जाकर उस मंजिल को हम पा सकते हैं। धन संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। धन कमाना एक अलग बात है, पर उस धन को सही ढंग से संभालना एक अलग कला है। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है उसे संभाल कर रखने की समझ। पैसा तो आता जाता रहता है, पर अगर आप जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू भी कर देते हैं। देखिए, केवल सकारात्मक सोच से ही समस्या हल नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सकारात्मक सोच आपको उस दिशा की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। देखिए ना, ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पर वो कभी ये नहीं सीख पाते हैं कि पैसा काम किस तरह से करता है। इसलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनकी ये पैसों से जुड़ी शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, जब वो 9 साल के थे तभी शुरू हो गई थी। पर सबसे ज़रूरी बात ये थी कि उन्होंने जब पहला कदम उठाया था, जब निर्णय लिया था कि उन्हें किसी की बात सुननी है, अपने पुअर डैड की, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं पर पैसे को अहमियत नहीं देते हैं, या फिर रिच डैड की बात, जो कि उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना कि उनके पुअर डैड, पर उन्होंने पैसे को कभी छोटा नहीं समझा। और क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे तो उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान से उन्हें वो लेसन पढ़ाए, पैसों के बारे में वो लेसन सिखाए। जी हाँ, हम किससे सीख रहे हैं, किसकी बात मान रहे हैं और किसे अपना मार्गदर्शक चुन रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमें गाइड कर रहा है, अगर उसका नज़रिया ही अलग है तो वो आपको सही मंजिल की तरफ नहीं पहुंचा पाएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोनों ही डैड्स, रिच डैड और पुअर डैड, उन्हें उतना ही प्यार करते थे, पर सिर्फ नज़रिए की वजह से रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनना सही समझा। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब तक उनके रिच डैड रहें, उन्होंने पूरे लाइफ में सिर्फ 6 ही लेसन उन्हें सिखाए और ये 6 लेसन उन्होंने अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में लिखी है, जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो और काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉरपोरेशन की ताकत को। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। सबक नंबर 6, पैसे कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वहीं सही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं।